हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रज वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? इंटरव्यू में हमसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो हम सोचते हैं क्या इतना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा तो क्या इसका आंसर कुछ टफ हो सकता है, हम ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, जो हम सोचते वही है, लेकिन हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो इसका आंसर सही से दे नहीं पाते। तो इसका आंसर क्या है? व्हाट आर फंक्शन? फंक्शन हमें पता है, फंक्शंस इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड डू सम लाइक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड रिटर्न और गिव आउटपुट। ओके, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एंड वी ऑल्सो कैन से अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रियूजेबल कोड दैट लाइक दैट वी कैन यूज इट इन वेर एवर वी वॉन्ट इन अवर कोड। ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन एंड लाइक इट हेल्प अस टू स्ट्रक्चर अवर कोड, इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अवर कोड एंड दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। सो सिंपल यही डेफिनेशन हम बता देंगे, वो मान जाएगा ठीक है आपको आता है फंक्शन क्या है। सो मैंने जो पहले डेफिनेशन आपको बताई कि इज अ लाइक फंक्शन इज अ व्हाट वी कैन से यार सेट ऑफ कोड, ओके, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न आउटपुट। सो क्या है, देखो सेट ऑफ स्टेटमेंट कैसे है वो। मैं जैसा कि एक फंक्शन लिखता हूँ, हाई लिखता हूँ, ओके हाई लिखता हूँ, इसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने बताया कि स्टेटमेंट एंड ए प्लस बी। ओके, ये सिंपल फंक्शन, ये फंक्शन का ये स्टेटमेंट है। ओके, फंक्शंस आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न आउटपुट। अब मैं इसको कैसे चेक करूं, कंसोल डॉट लॉग एंड आई, यानी फंक्शन में मैं 2 3 पास करता हूं, ठीक है 2 3 मुझे 5 मिल गया। अब मुझे मेरे कोड में कहीं पे कुछ और चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रियूजेबल रियूज भी कर रहा हूँ इस फंक्शन को, ठीक है, इसको रियूज भी कर रहा हूँ। रियूज कैसे कर रहा हूँ, मैं 5 6 लिख रहा हूँ मेरे हिसाब, इस फंक्शन को बार बार यूज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास नहीं किया, सॉरी। ओके, इस फंक्शन को मैंने 2 3 को कैलकुलेट करने में यूज किया, मुझे उसने 11 दे दिया। फिर मैंने इसको वापस रीयूज किया भाई 5 और 6 को एड करने में, तो ये मुझे दे दिया इसने 11, ठीक है, हम इसको रीयूज भी कर रहे हैं। तो भाई ये है फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बार बार हम कोड लिखे एक ही चीज के लिए, हर जगह जोड़ने के लिए कोड लिखे, सच्चा एक जोड़ने वाला फंक्शन बनाओ, उसको हर जगह यूज करो। भाई यही सिंपल सा आंसर था मेरा फंक्शन के ऊपर। कैसे लगे वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज डू लाइक एंड कमेंट करके जरूर बता।